अचानक से इस तरह की तोड़क कार्रवाई होना, यानी कि कल तक इस तरह की तोड़क कार्रवाई की कोई चर्चा नहीं थी। और अगर मैं ये सब बताऊं तो ये सब सालों से ये सब जगह पे जो है लोग फुटपाथ पे अपना धंधा लगाते थे, शेड लगा के लगाते थे, ये देख सकते हैं आप। लेकिन आज ही अचानक क्यों तोड़क कार्रवाई हुई, इसका प्रॉपर रीजन अथॉरिटी की तरफ से हमें नहीं मिल पाया है। दोस्तों, जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये हैदरी चौक के पास है और हैदरी चौक के पास MBMC की तरफ से जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई किया गया। और ये देख सकते हैं कि कार्रवाई करके, ये ठीक हैदरी चौक के पास का है, जहाँ पर भी यहाँ पर जो भी अवैध काम, अवैध निर्माण दिखा उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि एक हैदरी चौक का ठीक कॉर्नर है, कॉर्नर के पास भी जो है, और भारी पुलिस बंदोबस्त है, आप देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी है। हैदरी चौक से लेकर के नरेंद्र पार्क तक का एरिया को सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे तोड़क कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं ये एक, हाँ, आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये एक बुलडोजर वो साइड भी चल रहा है, यानी एक बुलडोजर तो ये है और एक बुलडोजर वो साइड है। यहाँ पर भी तोड़क कार्रवाई हुई है, जो भी अवैध निर्माण था उस पर तोड़क कार्रवाई हुई है। और वहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पर भी जो भी अवैध इंक्रोचमेंट है सबको पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। शेड लगा हुआ था और जो कुछ दुकानें वगैरह थी, फुटपाथ थी, उसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी पुलिस बंदोबस्त है, आप समझिए, MBMC के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो इधर भी ये पूरे इलाके को एक तरह से साफ कर दिया गया है बुलडोजर की कार्रवाई। जैसा कि डिप्टी CM ने कहा था कि जो भी वहाँ पे अवैध निर्माण है, अवैध इंक्रोचमेंट है, उस पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगी। और ये वही दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका है, ये पूरे इलाके का कहीं ना कहीं जो भी अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भारी पुलिस बंदोबस्त है, चुन चुन करके ऐसी जगह जहाँ पर भी थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से बड़ी तोड़क कार्रवाई हम कह सकते हैं इसको। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या दो दिन पहले जो घटना हुई थी ये उसका रिएक्शन है क्या, तो ऐसा तो इस बारे में तो कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अचानक से इस तरह की तोड़क कार्रवाई होना, यानी कि कल तक इस तरह की तोड़क कार्रवाई की कोई चर्चा नहीं थी। और अगर मैं ये सब बताऊं तो ये सब सालों से ये सब जगह पे जो है लोग फुटपाथ पे अपना धंधा लगाते थे, शेड लगा के लगाते थे, ये देख सकते हैं आप। लेकिन आज ही अचानक क्यों तोड़क कार्रवाई हुई, इसका प्रॉपर रीजन अथॉरिटी की तरफ से हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि माहौल जो है किस तरह का यहाँ पे बन गया है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको 21 तारीख के इंसिडेंट से भी जोड़ के देख सकते हैं।